जम्मू कश्मीर पुलिस के आतंकवाद रोधी विशेष अभियान ग्रुप यानी एसओजी में एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी से शुरुआत करने वाला देवेंद्र सिंह जिस आतंकी मुठभेड़ के बाद सुर्खियों में आया और उसे राज्य सरकार ने एकमात्र बहादुरी पुरस्कार से नवाजा, वही मुठभेड़ अब जांच के दायरे में आ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह से पूछताछ के बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि मुठभेड़ में देवेंद्र ने ही आतंकियों के भागने में मदद की थी। अब इस मामले की तफ्तीश राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि साल 2017 में 25 से 26 अगस्त को पुलवामा में पुलिस लाइन पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने अटैक किया था। उस हमले में सीआरपीएफ के 4 जवान शहीद हुए थे जबकि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। इस मुठभेड़ के बाद देवेंद्र सिंह को वीरता के लिए पुलिस मेडल मिला और साथ ही प्रमोशन पाकर वो डीएसपी भी बना। हालांकि जांच एजेंसियों को शक है कि देवेंद्र ने बाकी आतंकियों को भागने का रास्ता भी दिखाया, लेकिन इस हमले में कितने आतंकी शामिल थे इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है। फिलहाल तो देवेंद्र से जम्मू कश्मीर के अलावा आईबी, रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस सघन पूछताछ कर रही है। वहीं अब देवेंद्र सिंह का नाम सीधे तौर पर संसद हमले से भी जुड़ रहा है। अफजल गुरु ने सजाए मौत से पहले अदालत में देवेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन उस वक्त पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने अफजल की बात को देवेंद्र के खिलाफ साजिश मानकर खारिज कर दिया था। फिलहाल तो देवेंद्र सिंह देश की सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। खुफिया ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम पूछताछ कर रही है और कहा जा रहा है कि देवेंद्र सिंह से राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार भी वापस लिया जा सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।